जोरदार तालियां सीसीएल के लिए, एक बार खुल के तालियां। आज इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, मुझे तो लगता है स्टार चैनल को आज एक अवार्ड शो भी कर लेना चाहिए था, खर्चा बच जाता है इनका, वरना पैसे खर्च के कहाँ इतने सारे सेलिब्रिटी आते हैं। भोजपुरी टीम का इस बार डेब्यू है, एम आई राइट? आप में से संभावना सेठ कौन है? संभावना कौन है? नहीं आया? एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज भोजपुरी के जहाँ कहीं भी फंक्शन होते हैं वो अपने आप पहुँच जाती है। इतना भोजपुरी फिल्मों में काम किया। मनोज भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक आपको, डेब्यू टीम। अब अपनी टीम से बॉलिंग बैटिंग करवा लेना, ये नहीं कि फिल्मों की तरह खुद ही गाया, खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही एक्टिंग की। श्वेता तिवारी कहाँ है आपकी ब्रांड एम्बेसडर? उसको एक बात समझा देना, टीम के साथ रहा करे। ये पर डे मैच है, पर डे शूटिंग नहीं कि थोड़ा सा मुंह दिखाया पैसे लेके निकल गए। आपको जान के खुशी होगी राजस्थान की टीम भी बहुत जल्दी आ रही है। वो ऊंट पे बैठ के निकले जयपुर से, अगले साल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका फायदा बड़ा मैं आपको बताऊं, राजस्थान के खिलाड़ी एक बार पानी पिलाओ 6 महीने तक पूरा सीजन निकाल देंगे। जोरदार तालियां सभी टीमों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सीसीएल का कोच हूं, एक्चुअली सीसीएल का कोच हूं मैं, खिलाड़ियों के सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है जो एम्बेसडर्स हैं उनको सिखाना, बिकॉज आपको जो काम के लिए एम्बेसडर बने हुए हैं उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट नॉलेज जो है काम खराब हो जाता है। विदाउट नॉलेज से याद आया, विक्रम भट्ट साहब नहीं आए? एक्चुअली मैंने उनकी राज 3 देखी थी, मैंने कहा चलो वहां पे मिलेंगे तो वहीं पे उनसे रिफंड भी ले लेंगे। चित्रांगदा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। चित्रांगदा, इनके हस्बैंड बहुत बढ़िया गोल्फ प्लेयर है। गोल्फ मुझे सबसे अच्छी गेम लगती है, अंग्रेजों ने बनाई है। सारसी जमीन लेके छोटा सा गड्ढा करके, और मैं कहता हूं जितने इंडिया में गड्ढे हैं सड़कों पे, गोल्फ सबसे ज्यादा यहां पे खेला जाना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी खेल नहीं सकता, क्योंकि आप गड्ढे में बॉल डालोगे, निकालने जाओगे, पीछे से वहां जाओगे, ए गड्ढे से बॉल बाद में निकालना, तेरा बबलू गड्ढे में गिर गया उसको निकाल पहले। बंगाल टीम के लिए जोरदार तालियां। रिमा सेन, इनकी ब्रांड एम्बेसडर। इनके खिलाड़ी इन्हीं की वजह से आउट होंगे, देखना ऐसी हॉट सी बनके खड़ी, कम ऑन बंगाल टाइगर्स, यू कैन डू इट, कम ऑन। अभी अपनी टीम को बोल रही थी फौलाद की औलाद, तो बाकी का विकेट डोनर की औलाद थी। अरे आज साउथ की इतनी सारी इंडस्ट्री आई यहाँ पे, जयललिता, करुणानिधि और रजनीकांत साहब को छोड़ के बाकी सारा साउथ इधर आया हुआ है। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आती है साउथ इंडियन फिल्में, क्या स्टोरी होती, क्या डांस, क्या रोमांस, और सबसे बड़ी बात जितने भी हीरो सबके सब मूंछों वाले, और इतनी इतनी बड़ी कलमें होती, इतनी चौड़ी चौड़ी, इतनी बड़ी कलमें होती कि उनकी कलमों से ही आशुतोष राणा के 4 आईब्रो और किसी भी एक्टर की विग बन जाए। मतलब जरूरी होता है साउथ इंडियन फिल्मों में मूछे रखना, जो मूछे नहीं रखते उनको फिल्मों में नहीं लेते। देख लो आप, हमारे अन्ना है सुनील शेट्टी साहब, मूछे नहीं रखी, साउथ के होने के बावजूद भी उसकी फिल्मों में नहीं आए। माधवन देख लो, मूछे नहीं है, हिंदी फिल्में में काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज में समझ में नहीं आ रही कि अनिल कपूर साहब साउथ इंडियन फिल्म में कब करेंगे, इतनी गहरी मूछे रखी हुई इतने सालों से। चीयर लीडर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है पूरे मैच में, उछल उछल के नाचती है, जैसे भुआ का लड़का खेल रहा है, सिक्सर मारेगा कोई, 4 मारेगा, बड़ा उछल उछल के नाचती हैं। सीसीएल की चीयर लीडर्स तो बड़ी अच्छी हैं। रितेश भाई, मैंने एक बात मेरे को पूछनी थी जी, ये जो प्राइज मनी है 25 लाख है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं अभी तक। आप भी मेरी तरफ बिना पेमेंट के आए। 25 लाख रुपया जो है सीसीएल का जीतेगा उस पर इनाम है। सुहेल भाई 25 लाख के पीछे मारामारी कर रहे हो। अरबाज भाई कितने छाने निकले, दबंग 2 बना के 200 करोड़ छाप के फटाफट निकल गए। ये 25 लाख के लिए लड़ रहे, 12 लोग लेके आए। चलो खैर, खेलते रहो, मैं अपनी कोचिंग देने जा रहा हूँ, खेलिए। सब टीमों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।